हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और चलिए आज हम शुरू करेंगे 30 जून का करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन है। तो पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, नवीन चिकारा कौन सा खेल खेलते हैं? ये हमारा है पहला क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर भारत में कहाँ बनाया गया है और इसका क्या नाम है? ठीक है, दोनों चीजें आपको बतानी है, गन शॉट लोकेटर का नाम भी बताना है, ठीक। उसके बाद ये भी बताना है कि ये कहाँ पे बना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ नंबर, ONGC के चेयरमैन कौन है? आते हैं फाइव नंबर पे क्वेश्चन पे, सेल के चेयरमैन कौन है, गेल के चेयरमैन कौन है? ये हो गया सिक्स नंबर क्वेश्चन। और सेवन नंबर जो क्वेश्चन है वो है, NTPC के चेयरमैन कौन है? फिर हम आते हैं एट नंबर क्वेश्चन पे, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे बनाया जा रहा है? तो ये आपको बताना है, तो वो स्टेशन है हुबली, लेकिन ये किस राज्य में है ये भी आपको बताना है, और कितना लंबा है इसकी लंबाई भी आपको बतानी है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे, राजा पर्व या रज पर्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए त्योहार से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं, एक से या दो क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है टेन नंबर, बच्चों को स्कूल जाने के लिए कौन सी संस्था युविका प्रोग्राम चलाती है? तो युविका प्रोग्राम जो संस्था है उस संस्था का क्या नाम है? ठीक है, तो अगर मुझे उस संस्था के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारी डिस्क्रिप्शन की चीजें उसके साथ में आपको बताऊंगा। तो आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, अगर आपको आ रहा है तो आप आंसर को कमेंट में लिखिए, और जो भी आपको पुरानी वीडियो नहीं मिलती है वो डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमें इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नवीन चिकारा कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये जो नवीन चिकारा है ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं शॉर्ट पुल। क्या खेलते हैं? शॉर्ट पुल। ठीक है, ये खेलते हैं शॉर्ट पुट खेल। ठीक है, क्या खेलते हैं? शॉर्ट पुट खेल। उसके बाद यहाँ पे दो तीन खिलाड़ी और हैं, जैसे कि साइना नेहवाल। ठीक है, तो साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? साइना नेहवाल खेलती हैं आपका बैडमिंटन। ठीक है, साइना नेहवाल प्लस PV सिंधु, ये लोग कौन सा खेल खेलती हैं? ये लोग खेलती हैं बैडमिंटन। फिर एक आते हैं सौरभ चौधरी, अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि सौरभ चौधरी कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये खेलते हैं शूटिंग, और ये उत्तर प्रदेश के हैं, कहाँ के? मेरठ के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको जरूर आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गन शॉट लोकेटर सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर भारत में कहाँ बनाया गया है? तो ये इसका नाम क्या है, पहले इसका नाम जान लीजिए। इसका नाम है पार्थ, और इसकी जो कीमत है वो है 3 लाख रुपए। ठीक है, क्या है? 3 लाख रुपए। और इसको बनाया है आर्मी कॉलेज, आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। ठीक है, ये कहां पे है? पुणे में। ठीक है, पुणे में है, और इन्होंने इसको बनाया है। तो इस गन शॉट लोकेटर का नाम है पार्थ, और इसकी जो कीमत है वो 3 लाख है, और जो एक्चुअल आती है वो आती है 65 लाख रुपए की। किसने की आती है? 65 लाख रुपए की। तो भारत ने खुद स्वदेश में निर्मित किया है इसे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला किसकी कैपिटल है? मनीला कैपिटल है फिलीपींस की। ठीक है, क्या है? फिलीपींस की कैपिटल, और फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रोड्रिगो डुटर्टे। क्या नाम है? रोड्रिगो डुटर्टे। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। ठीक है, और इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट
इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये भी है मनीला में, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, गैलाथिया, ठीक है, गैलाथिया ये तीसरा दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट है, ठीक है। गैलाथिया ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है फिलिपीन ट्रेंच, फिलिपीन ट्रेंच गैलाथिया ये तीसरा गहरा बिंदु है अपनी धरती का, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का। अब आते हैं फोन नंबर क्वेश्चन पे, ONGC के अच्छा पहला कौन सा है ये आप बताएंगे, ठीक है, पहला आप बताएंगे कि कौन सा है, वो तो है मेरियाना ट्रेंच, लेकिन मेरियाना ट्रेंच कहाँ पे पड़ता है ये आप बताएंगे, ठीक है। और एक महिला है जो अभी हाल ही में मेरियाना ट्रेंच तक गई थी, तो उनके भी नाम लिख के आप बताइए। चलिए, ONGC के चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है शशि शंकर। ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये बना कब था, ये बना था 14 अगस्त 1956 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, सेल के चेयरमैन कौन है, सेल के चेयरमैन अजय कुमार चौधरी। अजय कुमार चौधरी, और सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील। तो दोस्तों, जो स्टील का, जो सेल का फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टील अथॉरिटी, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये बना कब था, ये बना था अगस्त 1984 में, ठीक है। तो ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद गेल के चेयरमैन कौन है, तो जो गेल के चेयरमैन है इनका नाम है मनोज जैन। क्या नाम है, मनोज जैन। अब मनोज जैन, गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया लिमिटेड हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये कब बना था, सॉरी एक मिनट, मैंने इसको उल्टा बता दिया है। जो सेल कब, सेल कब बना था, सेल बना था 1954 में, कब बना था 1954 में। और जो गेल बना था, ये बना था अगस्त 1984 में, ठीक है, अगस्त 1984, ठीक है। और ठीक है, तो ये बना था 19 जनवरी 1954 को, ठीक है, 19 जनवरी 1954 क्या बना था, ये बना था सेल का। और गेल बना था अगस्त 1984 में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में। अब आते हैं 7 नंबर पे, NTPC के चेयरमैन कौन है, तो NTPC के जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अच्छा, NTPC एक देश है अफ्रीका का जिसका नाम है माली, तो वहां पे वो 500 मेगावाट का सोलर पार्क लगाएगा, ठीक है, कौन लगाएगा, NTPC। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि बाहर के देशों में किसने सोलर पावर लगाने के लिए, कौन सी कंपनी जिम्मेदार है, तो वो है NTPC। अब NTPC के जो चेयरमैन है इनका नाम है गुरदीप सिंह। क्या नाम है, गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली, ठीक है। ये बना था 1975 में, ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब आगे 8 नंबर पे, दुनिया के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है हुबली स्टेशन, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में। और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 1400 मीटर, ठीक है। अब कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं,
ठीक है, कर्नाटक के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे देखिए इसरो का क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक, इसरो का हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो हुबली एयरपोर्ट है, ठीक है, हुबली एयरपोर्ट, इसके बारे में भी जान लीजिए, हुबली एयरपोर्ट, हुबली एयरपोर्ट जो है ये बेस्ट यानी कि नंबर एक है, बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट है, ठीक है, उड़ान एयरपोर्ट। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट उड़ान एयरपोर्ट कौन सा है, तो यह है हुबली एयरपोर्ट, ये भी है कर्नाटक में। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे गोमतेश्वर की प्रतिमा है, ठीक है, गोमतेश्वर की प्रतिमा, उसके बाद विरूपाक्ष मंदिर है, और यक्षगान, यक्षगान जो आपसे हमेशा बार बार पेपर में पूछा जाता है कहाँ का है, यह है कर्नाटक का। 9 नंबर क्वेश्चन, राजा पर्व व्रज पर्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है उड़ीसा में। कहाँ में मनाया जाता है, उड़ीसा में। उड़ीसा के सारे पर्व को मैं लिख देता हूँ, रथ यात्रा, राजा पर्व तो हो ही गया आपका, ठीक है, बाली यात्रा, बाली यात्रा, ठीक है, बाली यात्रा के बाद हम आएंगे गज लक्ष्मी पूजा, गज लक्ष्मी पूजा। उसके बाद एक यात्रा और है धानु यात्रा, तो धानु यात्रा भी मनाई जाती है कहाँ पे, उड़ीसा में। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, बच्चों को स्कूल जाने के लिए कौन सी संस्था युविका प्रोग्राम चलाती है, तो ये है इसरो, ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर भी मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में है। उसके बाद ये बना कब था, ये बहुत पूछा जाता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को बना था, ये पेपर में पूछा जाता है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं के सीवन, ठीक है, के सीवन, ठीक है। और भारत का पहला उपग्रह आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ये 1975 में छोड़ा गया था, किसकी सहायता से, रूस की सहायता से। तो दोस्त ये हो गया वीडियो, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।